हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कम्युनिटी ट्यूटोरियल्स। आज हम देखेंगे कोई इमेज के अंदर कैसे हम पर्सपेक्टिव टेक्स्ट को प्लेस कर सकें। तो पर्सपेक्टिव टेक्स्ट को लेकर मैंने पहले भी वीडियो दिखाया था आपको, पर ये वीडियो थोड़ा सा अलग है और अलग सा ऐप यूज़ करके मैं ये करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं कि ये हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक इमेज सिलेक्ट कर लिया, तो जो मैंने पिक्सेल से डाउनलोड की करके इसमें कैनवा में अपलोड किया है, ठीक है। तो ये एक आइलैंड का इमेज है जो पिक्सेल में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इस इमेज को मैंने थोड़ा सा फिल्टर दे दूँगी। यहाँ पर फूल के अंदर ये आर्कटिक बुल के जो फिल्टर है ये मैंने दे दिया ताकि थोड़ा सा डार्क लगे पिक्चर। और इसके अंदर हम अगर पर्सपेक्टिव टेक्स्ट को प्लेस करें तो वो देखने में थोड़ा सा ब्राइट लगेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इमेज तो सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद और एक पेज लेना है जिसके अंदर मैं पर्सपेक्टिव टेक्स्ट को तैयार करूँगी। तो इसके लिए मुझे टेक्स्ट में जाकर एक टेक्स्ट लिख लेना है। आइलैंड का इमेज है तो आइलैंड ही लिखूँगी। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है इसमें एक अच्छा सा फॉन्ट देना है। तो मैं यहाँ पर AC कॉम्पैक्टा बोल के एक फॉन्ट है, तो ये बहुत ही अच्छा एक फॉन्ट है, तो ये फॉन्ट मैं यहाँ पर दे दूँगी। ठीक है, तो ये फॉन्ट देकर मैं इसको ऐसे पेज के सेंटर में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर में मैं यहाँ पर प्लेस करके इसको डाउनलोड कर लूँगी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में। तो डाउनलोड ऑप्शन में PNG कोड यहाँ पर इंक्रीज किया, साइज को ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड किया और यहाँ पर पेज 2 सिलेक्ट कर लिया। तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड हो गया, और एक पेज ले लूँगी और यहाँ से डाउनलोड करके जो इमेज आया है उसको हम ले लेंगे। तो ये कुछ इस तरह है, यानी कि इसका जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आप देख सकते हो कि यहाँ पर बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो मुझे क्या करना है, अभी ऐप्स में जाना है, ऐप्स में जाकर यहाँ पर लिखना है ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद हमें ट्रांसफॉर्म इमेज का ये ऐप मिल जाएंगे। तो यहाँ पर से आप देख रहे हैं ये जो ट्रांसफॉर्म इमेज का एक ऐप, इसको मैं ओपन कर रही हूँ। और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देंगे चूज़ फाइल, यानी कि इसमें से आपको फाइल चूज़ करना है। तो मैं जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला जो आइलैंड का इमेज डाउनलोड किया था कैनवा से, वो मैं यहाँ पर अपलोड कर दिया। तो अपलोड करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से आप देख सकते हो कि ऑप्शन दिया हुआ है, जूम करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है कि कितना जूम आप चाहते हो। तो जूम करने की आपको ज़रूरत नहीं होगा कि ये जूम ठीक ठाक ही है, बस आपको माउस पॉइंटर से ऐसे करके आप इसको ऐसे पर्सपेक्टिव में डाल सकते हो, ठीक है। तो आप जितना करोगे, करना चाहते हो, आप उतना ही पर्सपेक्टिव इसको कर सकते हो। तो मैं ऐसे रखना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये पोजीशन मुझे सही लग रहा है। आपको अगर नहीं लगा तो रिसेट पर्सपेक्टिव करके आप फिर से पर्सपेक्टिव कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे एकदम सही लगा। तो ये ऐप को डिज़ाइन कर दिया मैंने। तो ये ऐप को डिज़ाइन करने के बाद हमें डिज़ाइन में फिट कर देना है। तो ऐसे हम डिज़ाइन में फिट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो फाइनल रिज़ल्ट आप अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप रिसेट पर्सपेक्टिव करके फिर से ये कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव लाना चाहती हूँ वो एकदम ठीक ठाक है। तो ऐप्स, तो जो ऐप का काम था तो वो हो गया। तो आप क्लोज कर दिया मैंने।
इसके बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देना है ताकि हमें आसान हो। तो इसके बाद इसका डुओटोन देना है। डुओटोन में हम वाइट कलर दे देंगे तो ये वाइट कलर में आ जाएंगे। तो इसके बाद हमें इसको एक शैडो देना है। तो यहाँ पर शैडो बोल के सर्च करेंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारा शैडो मिल जाएंगे। उसमें से मैं एक शैडो यहाँ पर ऐड करूँगी। तो इसको थोड़ा सा रोटेट करके ऐसे ऐड कर दिया। और ये जो आइलैंड का जो पर्सपेक्टिव जो इमेज है इसको मैं विंग टू फ्रंट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि शैडो भी ठीक ठाक प्लेस हुआ है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो इमेज है आइलैंड का इसको हमें डुप्लीकेट करना है। कंट्रोल डी प्रेस कर लिया मैंने, इसको फ्लिप कर देना है वर्टिकल और इसको रोटेट कर देना है। तो रोटेट एकदम ठीक ठाक से करना है जैसे कि ये एकदम मिल जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमें ये जो रोटेट करके जो शैडो इमेज मैंने क्रिएट किया है इसको हम एडिट इमेज में जाकर एप्स में जाकर यहाँ से जो लिक्विफाई बोल के ऑप्शन है उस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूँगी और इसमें जो मेल्ट ऑप्शन है मेल्ट ऑप्शन में क्लिक करूँगी। मेल्ट का जो अमाउंट मैं यहाँ से कम कर रहा हूँ और मेल्ट का जो स्केल यहाँ से मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके मैं सेव कर दिया तो ये एकदम अपने पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो फिर उसके बाद हमें इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल कम कर देना है ऐसे। तो चलिए हमारा जो पर्सपेक्टिव टेक्स्ट वाला इमेज बनके तैयार है और इसको हम कोई भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ कोई भी फॉर्मेट में हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वैसे ही आप किसी भी पिक्चर में कोई भी टेक्स्ट लेकर ऐसे पर्सपेक्टिव वाला लुक दे सकते हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।